बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर खिदर अब्बास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिदर अब्बास। तो इस चैनल पे मैंने लेट्स लर्न इंग्लिश का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इस सिलसिले में आज लेक्चर नंबर 3 है और इसका टॉपिक हमने करना है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो लफ्ज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? पहला इसका है, वी अवॉइड रिपीटिंग नाउन। नाउन को बार बार नहीं लिखना पड़ता, जस्ट एक बार नाउन इस्तेमाल करके बाद में उसकी जगह पे हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते रहते हैं। और टेक्स्ट बिकम शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी जो टेक्स्ट है, जो तहरीर है, वो मुख्तसर और जामे हो जाती है प्रोनाउन के इस्तेमाल से। जैसे हम बार बार एक नाउन इस्तेमाल करते रहें कि खिदर अब्बास इज़ अ टीचर, खिदर अब्बास टीचर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, खिदर अब्बास टीचर्स इन हरीम साइंस एकेडमी, खिदर अब्बास टीचर्स ऑनलाइन, यानी आप खिदर अब्बास को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो ये गलत होगा। अगर मैं खुद अपने बारे में बात करूँगा तो मैं अपने बारे में आई, माई, मी वगैरह इस्तेमाल करूंगा, और अगर कोई और मेरे बारे में बात करेगा तो वो ही, हिज, हिम वगैरह इस्तेमाल करेगा। इस तरह बार बार जो है नाम को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिक्रा भी ठीक हो जाएगा। प्रोनाउन की जो सबसे मेन किस्म है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर यूज फॉर पर्सन्स। ये प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस हैव 3 पर्सन्स एंड 3 केसेस। इनके 3 ही पर्सन्स हैं और 3 ही इनके केसेस हैं। पर्सन्स कौन से हैं, ये देखें, आपके सामने पर्सन मौजूद है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जो बोलने वाला खुद अपने बारे में प्रोनाउन इस्तेमाल करता है, अगर तो वो सिंगुलर है, एक है, वाहिद बोलने वाला है, तो वो इस्तेमाल करेगा अपने लिए आई, और अगर ज़्यादा हैं तो वी इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन मुखातिब जो आपके सामने मौजूद है, इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो है यू। और थर्ड पर्सन जो है, जो मौजूद नहीं है, उसके लिए ही, शी, इट और दे इस्तेमाल किया जाता है। तो ही जो है ये मुजक्कर के लिए, शी मोनस के लिए, इट बेजान के लिए, और दे इन सब की जमा है। इसके बाद आ जाएं प्रोनाउन के केसेस के बारे में। केस क्या है? पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट, जैसा कि हमें पता है, फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं, यानी फिक्रा हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो आम तौर पे जो प्रोनाउन से शुरू होने वाला फिक्रा है उसके शुरू में ये प्रोनाउन आते हैं, ही, शी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन की सब्जेक्टिव है। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव है, और यू जो है ये थर्ड पर्सन की सब्जेक्टिव है। तो ये सब्जेक्टिव केस जो है, सब्जेक्ट को जाहिर करने के लिए, यानी जब हम सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे नाउन है वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे सेम सेम रहेगा, लेकिन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे और होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे और इस्तेमाल होगा। पोजेसिव केस जो है ये मलकीती हालत होती है, यानी उसकी ओनरशिप, उसके पास क्या मौजूद है, तो थर्ड पर्सन की जो मलकीती हालत है वो देखें आपके सामने है, हिज, हर, इट्स और देयर। यानी ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर, और आई और वी की माई और आवर। ये देख लें, यानी ही के आगे हिज, शी के आगे हर, इट के आगे इट्स, दे के आगे देयर्स, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए यूअर। अब आगे आ जाएं इसका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मफूल, यानी फिक्रे के एंड पे मफूल आता है। यानी इंग्लिश का जो फिक्रा है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, फिक्रों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस चीज़ पे बहस करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मुख्तसर ये समझ लें कि इंग्लिश के फिक्रे में सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट उसका एंड होता है। यानी सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस आम हालत में फिक्रे के शुरू में आते हैं, और ये जो पोजेसिव केस वाले प्रोनाउंस हैं ये फिक्रे के दरमियान में आते हैं।
और ये जो ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस हैं ये फिक्रे के एंड पे आते हैं। तो ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, हिम, हर, इट और देम, और मी और अस जो है ये फर्स्ट पर्सन का, और यू जो है ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही हिज के साथ हिम आ जाएगा, शी हर उसके साथ फिर हर आ जाएगा, इट इट्स और फिर इट आ जाएगा, दे देयर और देम आ जाएगा, माई मी, वी आवर अस और यू यूर यू। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने प्रोनाउन और उसके केसेस हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वीडियो के कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।